यहाँ देखने दा फुल जरी। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रोन से परेशान है। पाबंदियों का दौर वापस लौटने लगा है क्योंकि ओमिक्रोन को कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी शुक्रवार को इसे बेहद तेजी से फैलने वाला चिंताजनक प्रकार करार दिया है। इसके बाद शनिवार को सभी से सतर्कता बरतने को और जन स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक उपायों को मजबूत करने के लिए कहा है। अब WHO ने ओमिक्रोन को लेकर कुछ और बातें दुनिया के सामने रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है? तो WHO ने इस पर कहा है कि प्रारंभिक साक्ष्य बताते हैं कि ओमिक्रोन वेरिएंट से उन लोगों को फिर से कोरोना होने का खतरा ज़्यादा है जो पहले से ही संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे लोगों को ये आसानी से संक्रमित कर सकता है। WHO ने आगे कहा है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि डेल्टा और अन्य कोरोना वेरिएंट्स के मुकाबले ओमिक्रोन ज़्यादा ट्रांसमिशेबल है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा आसानी से फैलने वाला है या फिर नहीं। अभी के लिए RT-PCR टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है। ओमिक्रोन के खिलाफ वैक्सीन के कितने असरकारक है इस पर भी WHO ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन पर इस वेरिएंट के संभावित प्रभाव को समझने के लिए तकनीकी भागीदारों के साथ काम कर रहा है। उसने कहा है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ओमिक्रोन ज़्यादा गंभीर बीमारी का कारण बनता है या नहीं। वर्तमान में ये सुझाव देने के लिए कोई जानकारी नहीं है कि ओमिक्रोन के लक्ष्य अन्य वेरिएंट से अलग हैं। WHO ने ये भी कहा है कि प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये खास तौर पर ओमिक्रोन के कारण नहीं बल्कि संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या में वृद्धि के कारण बढ़ी हो सकती है। संगठन ने ये भी कहा है कि ओमिक्रोन वेरिएंट की गंभीरता के स्तर को समझने के कई दिन से लेकर कई सप्ताह तक का समय लगेगा। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल फर्म मॉडर्ना, जो कोरोना वायरस बीमारी COVID-19 के खिलाफ टीकों की सबसे बड़ी निर्माताओं में से एक है, उसने रविवार को कहा है कि 2022 की शुरुआत तक COVID-19 के ओमिक्रोन से संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन में सुधार कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।